अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई सुबह के आगाज़ के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सी हस्तियां मौजूद हैं जिनसे मैं आज आपका तारुफ़ करवाऊंगा और उनसे मैंने भी बहुत सारी मालूमात हासिल की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत सारे मुफीद मशवरे और मालूमात मिलेंगी। और सबसे पहले मैं जिससे आपका तारुफ करवाना चाहूँगा वो बहुत ही खूबसूरत हस्ती हैं, मजाक भी करते हैं और बहुत सारी मालूमाती इन मशवरे भी देते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर भाई, सजल डॉफ की जानी पहचानी शख्सियत। ताहिर भाई के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं और बहुत ही मजाक भी है इनकी बातों में और बहुत ही मुफीद मशवरे भी हैं। तो चलें हम आपसे इनका तारुफ करवाते हैं। अब ये बताएं कि आप जर्मनी कब आए। मैं जर्मनी उस दौर में आया जब यहाँ कोई आया जाया नहीं करता था। यहाँ पे खलाई मखलूक घूमती थी। खलाई मखलूक तो काफ़ी बाद में आई। उससे भी पहले आया। मैं उससे पहले 2011 अप्रैल 10 तारीख 2011 हाँ जी, फिर ऐसे ही आसमान था, देखते रहते थे ऊपर खिड़की पे बैठ के, आसमान देखते थे और जहाज़ को देखते थे, यही कहते थे कि यही जहाज़ पकड़ के शायद अगले हफ्ते वापस जाना पड़े। बस टाइम गुजरता गया, 8 से 9 साल गुजर गए। 8 से 9 साल गुजर गए। आज चाय का कब मिला आज। और ये बताएं आपको जर्मनी कैसा लगा। सर जर्मनी ये सवाल ही गलत है सर। सवाल करके करवा दें। जर्मनी को मैं कैसा लगा, सवाल ही होना चाहिए था। चलें ये बता दें। मुझे जर्मनी लगता है कि मैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, जर्मनी इज द बेस्ट। नहीं नहीं है, बच्चे के पास है। करंट सर्कमस्टेंसेस आई गेस जर्मनी इज द राइट प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स टू कम टू स्टडी फॉर द जॉब्स। आई वुड से फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ राइट। तो चल रहा है काम, अभी देखिए शाम निकले हैं घूमने फिरने के लिए। तो अभी आप कहाँ आए हैं ये बताएं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप इस वक्त कहाँ आए हैं। आप मेरे व्यूअर्स जो हैं पंजाबी समझते हैं। नहीं, पंजाबी भी समझा देंगे, आप टेंशन ना लें, हम कैप्शन लगा देंगे। समझ नहीं आई कितने पहुंचे। हम कैप्शन लगा देंगे, आप बताएं। हम बस गूगल उसको मैप फॉलो करते करते पहुंच गए हैं, मुझे इस जगह का नाम नहीं पता। ये है इस पर सर आप रोशनी डालें। ताल स्पेरे, बिल्कुल स्पेरे कहते हैं। पानी होगा, ग्रास घास होगी और थोड़े से ट्रीज प्लांट्स। ये देखें ये आवाम, पाकिस्तानी आवाम मुख्तलिफ जगहों की, कराची लाहौर इस्लामाबाद से। अच्छा चलो ठीक है, उनको आगे निकलने दें, थोड़ी देर बाद आप चले जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाकसार का नाम ताहिर अहमद मुजफ्फर है, खाकसार डुसेलडॉर्फ में रहा तहसील है और जर्मनी में खाकसार को 8 से 9 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, बाकी आगे आप जो सवाल पूछे तो उसका इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की जाएगी। ताहिर भाई, सुनने वाले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस शहर में आए थे, कब आए थे और किस स्टडी कोर्स के लिए आए थे और उसके बाद फिर आपका सफ़र कैसा रहा जॉब तक आने तक। ओके, मैं 2011 मंथ ऑफ अप्रैल में आया था ब्रेमन में। इनिशली मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी ब्रेमन में, तो मैं वहाँ पर आया था, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन जिस कोर्स में मेरा हुआ था वो कोर्स मुझे कुछ पसंद नहीं था और साथ में पैरेलल मेरा एक और एडमिशन मैंने अप्लाई किया हुआ था ब्रेमन में ही, जो कि अप्लाइड यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र कर दिया लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो फिर मैंने सितंबर में प्रॉपर मास्टर्स कोर्स का आगाज़ किया ब्रेमन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के अंदर है। सही, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई के बाद
कुछ दुआओं से, कुछ मेहनत से अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकूं, एक नेटवर्क रिलेटेड। तो 2015 से लेकर अभी तक मैं इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ और डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम कर चुका हूँ। मेरी कंपनी दफ्तर यही है जहाँ पर मैं काम करता हूँ और रिहाइश भी मेरी गुजर लॉक। और आप सुनने वालों को बताएंगे कि आपकी फील्ड जॉब जो है वो किस सेक्टर में है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मैं बेसिकली नेटवर्क इंजीनियर, पहले लाइक जर्मनी जाने से पहले एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर चुका था इंशाल्लाह। और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये मेरी फील्ड है। नेटवर्क, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, चैनल कोडिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माशाल्लाह। तो जो मेरी जॉब जब शुरू हुई तो एज अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट, और जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, IoT से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी और डिफरेंट कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट लेवल कस्टमर्स को बेचती थी। वो से कस्टमर्स थे तो प्री सेल से लेके पोस्ट सेल्स तक, प्लस टेक्निकल सपोर्ट। और जो मेरी करंट कंपनी है वो भी इसी फील्ड से वाबस्ता है। जो मेरी करंट जॉब है उसमें भी मैं एज अ फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और जो मेरी कंपनी है, स्पेशली मेरा डिपार्टमेंट, वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए हार्डवेयर बनाती है, राउटर्स, फायरवॉल्स, स्विचेस, IoT से रिलेटेड, वाईफाई से रिलेटेड, LTE, 4G, 5G से रिलेटेड। या उसी के अंदर मैं R&D और कस्टमर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता हूँ, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट लेके तो R&D तक डिस्कस करना, सारा सॉर्ट आउट करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी, और चल रहा है काम इसका, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आई एम हैप्पी विद दिस। यस यार, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी जामे इंफॉर्मेशन दी है हमारे सुनने वालों को, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है उनके लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं और जो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं इस फील्ड के रिलेटेड। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अब तक के एक्सपीरियंस जर्मनी में जो रिहाइश के हवाले से है वो कैसा रहा? ये सवाल इस तरह है कि हर स्टेज पे इसका आंसर डिफरेंट ही होता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। इनिशियली जब आप एज अ स्टूडेंट पहली दफ़ा मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पर सिस्टम से लेके ज़बान तक डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पर बड़ी चीज़ों के चैलेंजेस होते हैं। एक नई जगह पर आना, नई लैंग्वेज, नए लोग, नया कल्चर, सही। तो उन चीज़ों को में ढलना टाइम लगता है, शुरू में परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही है कि कोई चेंजिंग हो तो इंसान की कि नेचर ऐसी है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा ताहिर भाई, मैं ये जानना चाहूँगा और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे यहाँ पे एक सीनियर पर्सन हैं और स्टूडेंट आए थे और जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे? कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि हम कनाडा जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, जर्मनी जाएँ, किधर जाएँ, तो आप उसके बारे में कोई जामे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखें, सबसे पहली बात है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे जो, या हम थे या हमारे जो अभी जूनियर सवाल करते हैं या आते हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ देम वो अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं कि उसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, उसने वैसा किया तो मैं भी वैसा कर लेता हूँ। आप अपने आप से सवाल पूछें कि कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप उसको परस्यू करें। अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कर सकते हैं, थोड़ा टफ टाइम अपने आप को दे सकते हैं, तो जर्मनी इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत इशू है। दो, मैं भी इंग्लिश में जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी
प्रॉब्लम्स होती रही हैं और होती हैं, लेकिन काम चलता रहता है। सही। लेकिन यह है कि अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ है, ना सिर्फ जॉब में, आपके रोज़मर्रा के कामों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप रिलैक्स अपने आप को फील नहीं कर पाएंगे अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो यही है, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आपको ऑप्शन मिली है तो उसको अवेल अगर आप कर लें, उसको अगर आप वेटेज ज़्यादा दें एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इजी फील करेंगे बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो सबको आती होती है। आप अपने काम, अपने चीज़ें, अपनी जॉब, अपने पब्लिक डीलिंग, अपनी सोशल लाइफ, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अदरवाइज जर्मनी के अंदर विदाउट लैंग्वेज आप आइसोलेट हो जाएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग प्रेशर टफ सिचुएशन को कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ को टाइम लगता है। लेकिन यही है कि मेहनत तो हर जगह रिक्वायर्ड है। अगर आप जर्मनी आते हैं तो शायद आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ हासिल करने के लिए। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो एज होगा, वो आपके लिए एक पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा। ज़बरदस्त। तो ताहिर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल बड़ा एक अच्छा सिलसिला चला हुआ है कि फैमिलीज़ को लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जैसे कोई बंदा यहाँ जॉब करता है तो अपनी वाइफ को ले आता है, या वाइफ जॉब करती है तो वो अपने हस्बैंड को बुला लेते हैं। तो उसके लिहाज से आप उनको किस तरीके से रिकमेंडेशन देंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं और उनको यहाँ पर क्या क्या प्रस्पेक्शन हैं उनके यहाँ पर आगे बढ़ने के? बिल्कुल, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक यहाँ पर जर्मनी में पहले से आया हुआ है और वो जॉब कर रहा है और उनकी शादी हो जाती है, तो उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ इजीली जर्मनी आ सकती हैं बेस्ड ऑन जो उनका स्पाउस यहाँ पर कर रहे हैं उनकी सपोर्ट पे, इधर इजीली आ सकते हैं। और जब वो आते हैं तो उनको भी उनके जो पार्टनर आता है पाकिस्तान से, उनको भी फुल सपोर्ट या फुल राइट्स होते हैं फुल टाइम काम करने के लिए। अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आजकल तो डायरेक्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट आप जॉब सर्च वीज़ा लेके भी आ सकते हैं जर्मनी। तो जब हम आए थे तो उस वक्त कुछ ऐसा था कि शायद यहाँ पर आके यहाँ की स्टडी करना ज़रूरी था और फिर आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन आजकल क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो आजकल इन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी ज़्यादा अभी मतलब क्या कहा जाए बदली हैं, इजी की हैं पॉलिसीज, आसान करी हैं वो, पॉलिसीज आसान की हैं कि लोग आ सकें इजीली डायरेक्टली उन जॉब सर्च वीज़ा यहाँ पर आने के बाद। फिर उन उस जॉब सर्च वीज़ा जितने भी ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, 18 महीने है प्रॉब्ली, तो उसके अंदर वो यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जर्मनी है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर है, तो जॉब सर्च वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ जर्मन है जो B1 है, B1 है, वो आपको ज़रूर करना पड़ेगा पाकिस्तान से, कि उसके बाद ही आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये जैसे आपने अच्छा जिक्र किया जॉब सर्च वीज़े का, जॉब सर्च वीज़े पे मेरे कुछ जानने वाले आए हुए हैं और वो इस बात में स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि अभी कोरोना का प्रॉब्लम भी है, तो आप उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये है कि अगर वो सिर्फ रियली जॉब करने ही आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपना होमवर्क पूरा रखें, यहाँ पर जो ऑलरेडी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तानी उनसे पूछें, उनसे फील्ड से रिलेटेड क्या मार्केट है, कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पर हायरिंग हो रही है, तो वो अप्लाई करने का पाकिस्तान से ही शुरू कर दें, वो होमवर्क पाकिस्तान से ही करके आएँ। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर आप जीरो से शुरू करेंगे कि भाई आपकी कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में मैंने जाना है, और वो तो आप टाइम ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी कोशिश करने से, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए जब आप पाकिस्तान में होते हैं। जी मैं आप अपने जी दोस्तों, हम पहुँच गए हैं सेंगबाख टालशपेरे को, हम सेंगबाख डैम के नाम से भी जानते हैं, और ये वैली पे बना हुआ है ये डैम जिसका नाम है वूपर वैली।
दोस्तों, ये वैली और ये डैम जो है वो बहुत ही घने जंगलात से घिरा हुआ है और हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक इन जर्मनी। और अब हमारे साथ हैं सैयद आदिल बारी, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मूसी। ये दोनों डजलडॉर्फ से हैं और यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों, इस डैम की जो ऊंचाई है वो 43 मीटर्स के अराउंड है और ये जो डैम है वो 36 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस है और इसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 5 मीटर्स है और इसका जो वॉल क्राउन है एरिया वो 178 मीटर लॉन्ग है जो कि फुटपाथ से मिलाता है और ये एक 10 किलोमीटर जो है सर्कुलर रूट है जो आपको रिजर्वायर तक लेकर जाता है और इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 180 मीटर के अराउंड है और तकरीबन 2.5 किलोमीटर को कवर करता है। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है इसका, हम अभी आपको दिखाएंगे। पूरा अतराफ का एरिया पानी से घिरा हुआ है और ये बैरियर लगाए हुए हैं सेफ्टी पर्पस और हम इसके कॉर्नर तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या चीज़ मिलती है, लेकिन व्यू तो कमाल है। और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा साबिर, जो जर्मनी के इस तरह के बहुत सारे जो नज़ारे हैं उनसे बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और हम इनसे पूछेंगे कैसे एक्सपीरियंस रहा सिद्रा आपका, जो आप इतनी सारी जगहों पे घूमी हैं नेचर के, तो आप क्या देखने वालों को बोलेंगी? जर्मनी बहुत बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है, आकर एक नया एटमॉस्फेयर मिलेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इसके मशरक़ी जानिब जो है वो एक बुर्ग कासल के नाम से एक जगह है जहाँ पर लोगों का और भी हुजूम होता है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम वहाँ नहीं जा सकते। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ इस डैम का नज़ारा। आज के दौर में अगर ये डैम बनाया जाता तो इसमें कितने इंजीनियर्स और कितने आर्किटेक्ट वगैरह सब यूज़ हुए हुए होते हैं, उनका कितना काम होता है। लेकिन अब सोचें कि ये 1900 के दौर के अंदर ये डैम बना हुआ है तो उस वक्त के लोगों की काबिलियत का क्या ही बात होती होगी। हम पूरे शहर में घूम चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि जब पानी का लेवल बढ़ता है तो ये यहाँ से पानी होता हुआ इस रास्ते से नीचे की जानिब जाता है। बहुत ही खूबसूरत कोई व्यू है। Aira, how are you, Aira? बारिश होती है तो सारा अंदर फ्लड बंद हो जाता है।
दोस्तों ज़मीनी व्यू तो अपनी अलग जगह है, लेकिन यहाँ पे आसमान ने भी अपना कोई कम असर नहीं छोड़ा हम पर। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत बादल हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब हमारे साथ हैं एक और मशहूर शख्सियत दजल डॉफ की, सैयद आदिल बारी। सैयद आदिल बारी का साथ मेरे साथ तकरीबन 5 से 6 साल से है। हम दोनों एक ही साल इस जर्मनी में तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद फिर हम लोगों की मंजिलें अलग अलग हो गई। तो चलें बात करते हैं सैयद आदिल बारी से। तो आदिल बारी भाई, आप ये बताएँ कि आपका यहाँ आना और यहाँ पर पढ़ाई करना और जॉब के हवाले से अपने बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साबिर भाई आपके अपने सवालात के लिए और मुझे यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए। सर मैं 2012 सितंबर में जैसे साबिर भाई ने बताया कि हम दोनों साथ ही जर्मनी आए। मैंने ट्यूड रेजिडेंस से सर मास्टर्स किया है। सब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा है एक्सेस करके एडवांस कंप्यूटेशनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल स्टडीज़। सर ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप बिम को, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को अपने मेजर के तौर पे पिक कर सकते हैं, जिसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में। तो मैं इसी पाथवे पर आगे बढ़ा और उसके बाद जो है वो इसी सिलसिले में जो है वो इंटर्नशिप और नौकरी करता रहा। अभी जो हूँ वो मैं डुसेलडॉर्फ में हूँ अपने 2 बच्चों और वाइफ के साथ। एक ही आवाज़ आप सुन सकते हैं इस वक्त बैकग्राउंड में, जो परेशान हो गया। और मैं इस वक्त डुसेलडॉर्फ में एक जैपनीज कंपनी में एज अ बिम मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और ये बताएं आप अभी जो जॉब कर रहे हैं इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस हवाले से हैं, और आप थोड़ा सा मुख्तसर सा। सर बेसिकली आप डिजिटल एरा के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका 3D मॉडल बना लें और उसकी बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी को चेक कर लें। तो उसकी फंक्शनैलिटी में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आप 3D में ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करके उसको चेक करते हैं कि क्या ये फीजिबल है, जो एक्सेस हैं, रूट्स हैं वो वर्केबल हैं, और फिर हम उस साथ साथ क्वांटिटी टेक ऑफ भी करते हैं। तो मेरा काम जो है वो 3D मॉडल बनाना, उसका इंफॉर्मेशन को मैनेज करना और बाकी टीम को सपोर्ट करना। ज़बरदस्त। अच्छा बताएं कि आपने ऐसा कहा कि आपने यहाँ पर पार्ट टाइम काम वगैरह भी किया, तो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं वो डायरेक्ट स्टडीज़ के बजाय ये सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे काम कैसा है, पैसे कितने मिलते हैं। तो आप उनके लिए क्या मशवरा और क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? सर सबसे पहले ये है कि अगर आपको जिस भी फील्ड में आप चाह रहे हैं जॉब ढूंढना, उसमें आपको सॉफ्टवेयर सीख लें। जैसे कि बिम की फील्ड में सर रिविट है, आर्चिटेक्ट है, आप उसको उसकी सर्टिफिकेशन कर लें पाकिस्तान से, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और सर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जॉब ढूंढ रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम 800 to 1000 euros पर मंथ फॉर स्टूडेंट जॉब और पार्ट टाइम। सर कुछ जगहों पे अगर आप स्टूडेंट जॉब करते हैं वहाँ पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अप टू 1100 euros आप कमा सकते हैं। क्या बात है। और आप अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से बताएं कि आप माशाल्लाह से फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके 2 kids हैं और वाइफ हैं, तो आप कैसे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें और आने वाले लोगों को अपने फ्लॉज, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से थोड़ा सा बताएं, ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सेटल डाउन कर सकें, पढ़ाई के हवाले से, जॉब के हवाले से, जिस हवाले से भी आपका एक्सपीरियंस। सर सबसे पहली बात ये कि
मैंने किसी शख्स की बात सुनी कि हम जो हैं वो कनेक्ट डॉट्स को बैकवर्ड ही कनेक्ट कर सकते हैं लाइफ में, अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप जो हैं वो मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर मौका देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जिस चीज़ की तरफ काम करना है आप उसके सॉफ्टवेयर्स मार्केट में देखें, लोगों के साथ मिलते जुलते रहें, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो बहुत अच्छी रिसोर्स होते हैं। आप शायद किसी बंदे ने कहा है कि एक दोस्त, एक अच्छा दोस्त जो है वो 100 किताब पढ़ने से बेहतर है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। सर, आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी रिसोर्सेज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और इसी तरह से मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो भी बेहद और बेइंतहा हेल्पफुल हैं और बहुत ही मतलब अमेजिंग है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स की दुआएं तो हमेशा आपकी मदद करती रहती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे और आपको ज़िंदगी में इसी तरह दोस्तों के साथ मिलता रहे, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशगवार गुजारें। तो दोस्तों, ये था यहाँ का सिंह बाफ्टाल शपेरे और यहाँ का थोड़ा सा तारुफ, और उम्मीद करता हूँ कि इस जगह से आप लुत्फ़ानंदोज़ हुए होंगे और हमारे जो मेहमान थे जिनसे बात करके आपको बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलें, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामुअलैकुम।